दिस इज मनीषा चौहान एंड वेलकम बैक टू एजुकेशन एंड फॉर बायोलॉजी आज के इस वीडियो के अंदर हम पंजाब यूनिवर्सिटी सेट एम एस का पेपर डिस्कस करने वाले हैं ये जो क्वेश्चन पेपर हम यहाँ देखने वाले हैं ये है ईयर ट्वेंटी का ओके okay, अगर आप चैनल पर न्यू है आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यू कैन कंसिडर सब्सक्राइबिंग द चैनल बिकॉज और भी पेपर सोल्यूशन वीडियोज चैनल में ऑलरेडी एडिड हैं सो स्टार्ट करते हैं विच ऑफ़ द फॉलोइंगज सिंगल कोडोन इनमें से कौन सा ऐसा अमाइनो एसिड है जिसको कोड करने के लिए हम सिर्फ़ एक ही कोडोन यूज़ कर सकते हैं जैसे ल्यूसिन है उसको कोड करने के लिए हम चार यूज़ कर सकते हैं ये वाले और दो ये वाले तो टोटल हो गए हमारे छः प्रोलिन के लिए भी बहुत सारे हैं वेलिन के लिए भी इतने सारे हैं एलिन के लिए भी इतने सारे हैं लेकिन कोई ऐसा जिसको एनकोड करने के लिए हम सिर्फ़ एक कोडोन यूज़ करते हैं तो यहाँ पे ट्रिप्टोफैन भी होता है मिथ्योनियन भी होता है इनके लिए सिर्फ एक एक होता है ठीक है यू फॉर ट्रिप्टोफैन एंड मिथ्योनियन के लिए ए बट यहाँ पे पूछा है जो ऑप्शन के अकॉर्डिंग तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा बी दैट इज ट्रिप्टोफैन बिकॉज मिथ्योनियन तो है नहीं ऑप्शन में तो बी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन हाउ मेनी बेस पेयर्स आर देयर पर हेलिकल टर्न इन जी डी एन ए जी डी एन ए के हर टर्न में कितने बेस पेयर्स होते हैं तो होते हैं ट्वेल्व बेस पेयर्स ठीक है और भी इंफॉर्मेशन यहाँ पर दी हुई है यू कैन नोट इट डाउन डी आपका यहाँ पे करेक्ट है सेकेंड का थर्ड क्वेश्चन डी एन ए फूड प्रिंटिंग टेक्निकज़ यूजअली यूज टू आइडेंटिफाई ये जो डी एन ए फुड प्रिंटिंग टेक्निक होती है ये सीक्वेंस स्पेसिफिसिटी रीड करने के लिए होती है मतलब हम देखते हैं कि सीक्वेंस स्पेसिफिसिटी कितनी है डी एन ए बाइंडिंग प्रोटीन्स की यानी कि साइड्स ऑफ डी एन ए या डी एन ए बाइंडिंग प्रोटीन्स अटैच तो उनकी बाइंडिंग के बारे में स्टडी अगर हमें करनी है तो डी एन ए फुट प्रिंटिंग हम यूज़ करते हैं तो यहाँ पे आपका आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर फोर इन विच ऑफ़ द फॉलोइंग जियोलॉजिकल पीरियड डिड फर्स्ट बर्ड अ पीरियड ये जो जियोलॉजिकल टाइम स्केल होता है ये जो मैंने फोटो में दिया है आप एक्जैक्टली exactly इसको लर्न कर सकते हैं यहाँ से क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं कि कौन से टाइम पीरियड के अंदर क्या चीज़ हुई थी आपको वो अ, एरा का नाम भी दे सकते हैं पीरियड का नाम भी दे सकते हैं एपॉक का नाम भी दे सकते हैं वो कुछ भी नाम देके आपसे पूछ लेंगे इसमें कौन सा इवेंट हुआ था तो ये जो इवेंट्स हैं ये आपको लर्न करने हैं डी में भी पूछा गया था क्रिटेशियस का पूछा था कि डायनासॉर्स एक्सटेंट कब हुए थे क्रिटेशियस के एंड में हुए थे तो यहाँ पे जो पूछा है वो बर्ड्स से रिलेटेड पूछा है तो जो बर्ड्स हैं वो पहली बार कब दिखी थी वो हमें जुरासिक में दिखी थी तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी नेक्स्ट क्वेश्चन माइकलीज कॉन्स्टेंट इज अ मेजर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग डायरेक्ट क्वेश्चन है यहाँ पे आपका आंसर डी हो जाएगा एफिनिटी ऑफ द एनजाइम फॉर इट्स सबस्ट्रेट क्वेश्चन नंबर सिक्स इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ म्यूटेशन इन जेनेटिक मटीरियल विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंटरकेलेटिंग एजेंट इंटरकेलेटिंग यानी कि जैसे यहाँ पे बीच में जाके घुस गया है तो कौन जाता है ऐसे इंटरकेलेटिंग एजेंट की तरह कौन एक्ट करता है इथीडियम ब्रोमाइड एक्ट करता है ये इंटरकैलेट हो जाता है यानी कि जो भी बेस पेयर्स यहाँ पे प्रेजेंट है इनके बीच में ऐसे स्टैक हो जाएगा घुस जाएगा एक तरीके से तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा बी इथीडियम ब्रोमाइड नेक्स्ट क्वेश्चन विच वन ऑफ द फॉलोइंग विटामिन रोल इन कोलेजन फॉर्मेशन कोलेजन के फॉर्मेशन में कौन से वाटामिन का रोल होता है ये बेसिकली एक तरीके से जो हमारा कनेक्टिव टिश्यू है या जो हमारे कोलेजन फाइबर्स जब इकट्ठे होंगे तो उनकी हेल्थ कैसी रहेगी उसको डिफाइन करता है विटामिन सी ठीक है तो यहाँ पे आपका आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा इन हाइड्रा गैस्ट्रिलेशन अकर्स बाय हाइड्रो के अंदर जो गैस्ट्रिलेशन का प्रोसेस होता है वो मल्टीपोलर इन्ग्रेशन एंड डीलैमिनेशन से होता है तो ऑप्शन क्ट इन द सेल बॉडी ऑफ पैरामीशियम द एलिमिनेशन ऑफ अनडाइजेस्टिड प्रोडक्ट्स टेक प्लेस थ्रू दी देखो पैरामीशियम के अंदर जो भी अनडाइजेस्टेड प्रोडक्ट है ना वो साइट cyto, साइटोपाइज uh, से निकलता है ये एक तरीके से इसका एनस है जहाँ से ये जो भी uh, चीज़ें अनडाइजेस्टेड रहेंगी उनको एक्सक्रीट आउट कर देगा तो साइटोपाइज यानी कि डी ऑप्शन आपका करेक्ट है यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन स्केलेटन सिक्रीटिंग सेल्स ऑफ द साइकॉन वुड इंक्लूड साइकॉन के स्केलेटन सिक्रीटिंग सेल्स कौन से होते हैं स्क्लेरोब्लास्ट होते हैं जो कि सिलिका स्पिक्यूल सिक्रीट करते हैं तो यहाँ पे आपका आंसर डी हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन नियोपेलियम अपेयर फॉर द फर्स्ट टाइम इन वन ग्रुप ऑफ वर्टिब्रेट्स एंड रीचेज एट हाई लेवल इन अनदर ग्रुप ऑफ वर्टिब्रेट्स द टू ग्रुप्स ऑफ वर्टिब्रेट्स इन क्वेश्चन आर रिस्पेक्टिवली जो दो ग्रुप्स हैं इनके बारे में पूछा है तो ये आपके रेप्टाइल्स होते हैं और मैमल्स होते हैं नियोपेलियम को हम नियो कॉर्टेक्स भी बोल सकते हैं आइसो कॉर्टेक्स भी बोल सकते हैं या फिर हम इसे सिक्स लेयर्ड कॉर्टेक्स भी बोल सकते हैं ठीक है ये एक तरीके का आ, मतलब ब्रेन का एक पार्ट है जो इसके ब्रेन के फंक्शंस में इन्वॉल्व होता है जैसे कि सेंसरी परसेप्शन होती हैं कॉग्निशन में होता है लैंग्वेज रीजनिंग बट यहाँ पर जो पूछा है वो ये है कि पहली बार कौन से ग्रुप में आ, आया था ये जो नियोपेलियम है और फिर किस में जो है वो हायर लेवल पर देखा गया अनदर ग्रुप तो ये रेप्टाइल्स से मामल ठीक है तो फर्स्ट ग्रुप जिसकी इन्होंने बात की है दैट इज़ रिप्टाइल एंड द सेकेंड ग्रुप जिसकी बात करें इज मैमल्स यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा डी नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व अ कॉम्पिटेटिव इन्ेबिटर कॉम्पिटेटिव इन्हेबिटर क्या करते हैं देखो ये जो ग्राफ है अगर आप इनको कंपेयर करोगे तो आपको क्लियरली दिखेगा कि जब कॉम्पिटेटिव इन्हीबिशन होती है तो उस टाइम पे जो के की वैल्यू है वो इंक्रीज हो जाती है बट क्या वी मैक्स को कोई फर्क पड़ रहा है नहीं वी मैक्स उधर ही है ये नॉर्मल जब रहता है सिनारी उसकी लाइन है रेड वाली ये ग्रीन वाली कॉम्पटेटिव इनहिबिशन की है उस टाइम पे जो वी मैक्स की वैल्यू है वो दोनों ही सिनारीज़ में सेम रहती है तो हम ये कहते हैं कि कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर जो है वो वी मैक्स को चेंज नहीं करता है ठीक है वो उतना ही रहता है तो ये के एम को इंक्रीज करता है ठीक है तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपका आंसर हो जाता है ए क्वेश्चन नंबर थर्टीन आर एन ए कैन समटाइम्स बी कॉपीड बाई आर एन ए से डी एन ए का बनना इस प्रोसेस को हम रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं ये आप काफी सारे रेट्रोवास में देख सकते हो या ट्रांसपोजोन्स में देख सकते हो रेट्रो ट्रांसपोजोन्स में ये जो एनजाइम यहाँ पे यूज होता है ना उसको हम बोलते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज तो ये चीज पूछी हुई थी आंसर आपका हो गया ऑप्शन सी विच वन ऑफ द फॉलोइंग सब प्रोसेस डज नॉट टेक प्लेस ड्यूरिंग प्रोटीन सिंथेसिस इन यू कैरियो प्रोटीन सिंथेसिस के टाइम पे क्या चीज़ नहीं होती है देखो राइबोसोम से एम आर आके जुड़ेंगे तभी तो प्रोटीन की सिंथेसिस होगी उसको रीड करेंगे टी आर वगैरह आएंगे सारा प्रोसेस चलेगा इलॉन्गेशन भी होगा टर्मिनेशन भी होगा ये सारा होगा क्या नहीं होगा मिथ्योन फॉर्माइलेशन नहीं होता है ट्रांसलेशन के दौरान ठीक है ये जो पूरा प्रोसेस पूछ रहे हैं प्रोटीन की सिंथेसिस को हम ट्रांसलेशन कहते हैं तो उस दौरान मिथ्योन फॉर्माइलेशन नहीं होता तो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट हीरो नेक्स्ट क्वेश्चन विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेल्स सिक्रिएट टेस्टोस्टेरोन टेस्टोस्टेरोन कौन से सेल सिक्रिएट करते हैं लेडिक्स सेल सिक्रिएट करते हैं आंसर इज बी वसोप्रेसिन प्लेज अ की रोल इन वसोप्रेसिन का रोल किस में होता है ऑस्मो रेगुलेशन में होता है इससे रिलेटेड एक डिटेल वीडियो मैंने डी के पेपर सोल्यूशन में डाली अगर आप ज्यादा डिटेल में समझना चाहते हो आप डी के पेपर सोल्यूशन देख सकते हो वहाँ पे पूरा पूरा टॉपिक अच्छे से समझाया हुआ है तो यहाँ पे वसोप्रेसिन जो है वो की रोल प्ले करता है इन ऑस्मो रेगुलेशन नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ़ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनली शो एसिड फॉसफेटेज एक्टिविटी इनमें से कौन सा से ऐसा सेल ऑर्गेनली है जो एसिड फॉस्फिटेज की एक्टिविटी प्रोजेस करता है यहाँ पे आपका आंसर जाएगा ऑप्शन ए दैट इज लाइसोजोम जिसके पास बहुत सारे हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होते हैं एसिडिक पी होता है इसका ये सारी इसकी प्रॉपर्टीज होती हैं यहाँ पे पूछा था एसिड फॉस्फिटेज की एक्टिविटी किसमें होती है ऑप्शन ए इज करेक्ट टेस्ट बर्ड्स आर टेस्ट बर्ड क्या होते हैं ये एक्सटीरो रिसेप्टर्स होते हैं यानी कि ये डायरेक्टली एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के कॉन्टैक्ट में होते हैं और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से डायरेक्टली इनको स्टिमुलस मिलता है ठीक है तो टेस्ट बर्ड्स क्या हैं ये एक्सटीरियो रिसेप्टर्स हैं डी ऑप्शन इज़ करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन इंसर्शन और डिलीशन ऑफ अ सिंगल बेस इन डीएनए स्ट्रैंड इज़ नोन एज अगर हम सिर्फ एक बेस डीएनए स्ट्रैंड के अंदर डाल दें तो उससे क्या होगा उसका रीडिंग फ्रेम चेंज हो जाएगा और ये जब रीडिंग फ्रेम चेंज होता है तो हम उसे फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन कहते हैं इसलिए ऑप्शन ए इज़ करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इकानोडोम्स प्रोजेस अ रेस्पिरेटरी ट्री रेस्पिरेटरी ट्री देखो ये होता है ठीक है और ये कौन से इकानोडोम्स में होता है ये सी कोकुम्बर में आपको देखने को मिलेगा तो ऑप्शन ए इज करेक्ट अ डिलीशन इन शॉर्ट आर्म ऑफ क्रोमोजोम फाइव प्रोड्यूसेज इन अ प्रोड्यूसेज इन ह्यूमन अ जेनेटिक डिसडर कॉल्ड क्रोमोजोम फाइव की अगर शॉर्ट आर्म को हम डिलीट कर दें उसके अंदर से कुछ पोर्शन डिलीट कर दें तो कौन सा जेनेटिक डिसडर होता है क्राइडोकैट सिंड्रोम होता है ठीक है ऑप्शन ए इज करेक्ट थ्री पैलियल एरियाज नेमली आर्किपेलियम पेलियोपेलियम नियोपेलियम आर प्रेजेंट इन ये जो होते हैं ये प्रेजेंट होते हैं रेप्टाइल्स के अंदर ठीक है ऑप्शन सी इज करेक्ट विथ सेल ऑर्गेनली फॉर्म्स एक्रोसोम ऑफ द स्पर्म स्पर्म का जो एक्रोसोम होता है जिसके अंदर सारे एंजाइम्स होते हैं जिनको वो यूज करता है टू पेनीट्रेट द एग और सारी लेयर्स वगैरह के लिए यूज करता है एग के अंदर जाने के लिए वो जो होता है क्रोसोम वो कहाँ से बनता है वो गोल्जी से बनता है ठीक है सो ऑप्शन बी इज करेक्ट क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फोर इनडिटर्मिनेट क्लीवेज अकर्स इन इनडिटर्मिनेट का क्या मतलब होता है कि जो अर्ली एम्ब्रियोनिक सेल्स है ना उनके पास ये एबिलिटी होती है कि अगर मैं उनको अलग भी कर दूं अगर मैं उन्हें जैसे मान लो टू सेल स्टेज है अगर मैं उन दोनों को अलग अलग कर दूं ना तो हर जो सेल है वो एक कम्प्लीट एम्ब्रियो बना लेगा तो ये जो Uh, मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ टू सेल स्टेज में जो अर्ली एम्ब्रियोनिक सेल्स होते हैं ना उनके अंदर ये प्रॉपर्टी रहती है कि वो टोटी पोटेंसी प्रोसेस करते हैं यानी कि वो पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म क्रिएट कर लेंगे पूरा का पूरा एम्ब्रियो क्रिएट कर लेंगे अगर मैं उन्हें आइसोलेट कर दूँ तो भी तो इस तरीके की जो क्लीवेज होती है उसे हम इनडिटर्मिनेट क्लीवेज कहते हैं और ये फ्रॉग्स में देखने को मिलती है सो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन ओव्यूलेशन इन वर्टिब्रेट्स इज इंड्यूस्ड बाय ओव्यूलेशन इज इंड्यूस्ड बाय एलएच बी ऑप्शन ब्लास्टोला इन एक एंड एम्फियोक्सिस इज ब्लास्टुला जो होता है आइनोडोम्स एंड एम्फियोक्सिस का वो सीलो ब्लास्टोला होता है तो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट यो विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ पॉलीटीन क्रोमोजोम पॉलीटीन क्रोमोजोम्स कैसे बनते हैं बार 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 रेप्लीकेशन हो रही है लेकिन सेपरेशन नहीं हो रही है क्रोमेटि की नॉर्मली क्या होता है रेप्लीकेशन होती है फिर जब सेल का डिविजन हो रहा होता है या माइटोसिस हो रही होती है उस दौरान जो होता है वो क्रोमेट्स सेपरेट होते हैं सिस्टोक्रोमेटि लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होता है यहाँ पे रेप्लीकेशन होती रहती है लेकिन सेपरेशन नहीं होती है क्रोमेटि की इस वजह से वो इकट्ठे होते रहते हैं और इसको हम पॉलीटीन क्रोमोजोम कहते हैं तो ऑप्शन डी इज करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राइकोसिस्ट अकर्स इन ट्राइकोसिस्ट किस में देखा जाता है ये प्रोटोजोआज में देखा जाता है तो ऑप्शन सी इज करेक्ट क्वानोसाइट इन एस्कोनॉइड स्पंज आर प्रेजेंट इन एस्कोनॉइड स्पंज के अंदर जो क्वॉर्नोसाइट होते हैं ये कहां पे प्रेजेंट होते हैं ये रेडियल केनाल के अंदर प्रेजेंट होते हैं ऑप्शन डी इज करेक्ट विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हैव एक्सटर्नल और इंटरनल शेल किस में नहीं होता है ये चीज पूछिए तो ऑक्टोपस में नहीं होता है ठीक है थर्टी का बी इज आंसर थर्टी फर्स्ट क्वेश्चन विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ अमाइनो एसिड्स कंटेन सल्फर सल्फर किस में होता है ये पूछा है तो पहला ऑप्शन जो दिया हुआ है वो आपका करेक्ट है सिस्टीन का ये रहा स्ट्रक्चर इसके अंदर देखो सल्फर प्रेजेंट है हाँ प्रेजेंट है मेथ्योन के अंदर प्रेजेंट है ये मेथ्योन का स्ट्रक्चर है हाँ मेथ्यून के अंदर प्रेजेंट है सिस्टाइन क्या होता है सिस्टाइन बेसिकली क्या होता है अगर मैं दो सिस्टीन को ले लूँ ना मतलब सिस्टीन का एक तरीके से डाइमर होता है जैसे यहाँ पर दिखाया हुआ है ठीक है इसके अंदर क्या सल्फर होता है हाँ सल्फर होता है यहाँ पर तो तीनों के अंदर सल्फर प्रेजेंट है ए ऑप्शन आपका करेक्ट है क्योंकि इन्होंने यही पूछा था कि इनमें से कौन सा ऐसा ग्रुप ऑफ अमाइनो एसिड है जिनमें तीनों में सल्फर होना चाहिए ठीक है तो इन तीनों में सल्फर प्रेजेंट होता है ऑप्शन ए इज़ करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर थर्टी टू एक्डायोस द मोल्टिंग हॉर्मोन इन इंसेक्ट इज लिबरेटेड फ्रॉम ये कहाँ से मिलता है कहाँ से निकलता है ये प्रोथोरासिक ग्लैंड से मिलता है ठीक है ऑप्शन बी इज़ करेक्ट क्वेश्चन नंबर थर्टी थ्री द फर्टिलाइजेशन कोन दैट पुल्स स्पर्म इन टू द एग इज फॉर्म्ड फ्रॉम ये जो कोन बनता है फर्टिलाइजेशन कोन जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो जैसे जैसे स्पर्म आता जा रहा है जो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है एग की ये कैसे कैसे फोल्ड होकर कोन शेप बना रही है ताकि जो स्पर्म है वो अंदर आ सके ठीक है उसको पुल करने के लिए तो ये जो फर्टिलाइजेशन कोन है ये एग की प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनाती है ऑप्शन बी इज करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर थर्टी फोर एनिमल्स विच कैन टॉलरेट वाइड रेंज ऑफ सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन आर कॉल्ड इनको हम यूरी हेलाइन कहते हैं वाइड रेंज का मतलब ये होता है सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन तो आप समझ गए होंगे वाइड रेंज का ये मतलब होता है कि ज्यादा फ्लक्चुएशन को ये टॉलरेट कर सकते हैं ठीक है तो ये आपके हो जाते हैं यूरी हेलाइन सेंट्रो में नाइन्थ फोर्टिब्रा ऑफ फ्रॉग इज सेंट्रम का भी मैंने uh, किसी वीडियो में डी के पेपर सोल्यूशन में किसी में में डिटेल बताया तो आपको समझना तो आप के पेपर सोल्यूशन देख सकते हो तो ये जो नाइन्थ वर्टिब्रा ऑफ uh, सेंट्रम में नाइन्थ वर्टिब्रा ऑफ फ्रॉग होता है ये होता है ए सील ठीक है ऑप्शन डी इज करेक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग एनजाइम इज नॉट प्रोटीनेशियस इन नेचर इनमें से कौन सा ऐसा एंजाइम है जो प्रोटीनेशियस नहीं होता राइबोजाइम राइबोजाइम क्या होता है एक आर जो एंजाइम की तरह एक्ट कर रहा होता है जब आप ट्रांसलेशन पढ़ोगे उसमें आपको ये देखने को मिलेगा ठीक है आर जो एंजाइम की तरह एक्ट कर रहा है राइबोजाइम तो ये आर होता है ये प्रोटीन नहीं होता तो ऑप्शन बी इज करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूड इज प्रोड्यूस्ड बाई ये कहाँ से प्रोड्यूस होता है कोरोइड प्लेक्सस से डी इज करेक्ट दी फंक्शन ऑफ एलेंटॉइज इन बर्ड्स इज बर्ड्स के अंदर एलेंटॉइज का क्या फंक्शन होता है एक्सक्रीशन का और रेस्पिरीशन का ठीक है ऑप्शन डी इज करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन एलोपैट्रिक स्पीसीकर्स वैन पॉपुलेशन शोज एलोपैट्रिक स्पीसी तब होती है जब जोग्राफिकल आइसोलेशन होती है एक पॉपुलेशन है मैंने उनके बीच में मान लो कोई बड़ा सा पहाड़ क्रिएट कर दिया या एक नदी क्रिएट कर दी तो वो जोग्राफिकल आइसोलेशन हो गया है ना या किसी भी रीजन से एक एरिया जो है वो दो में डिवाइड हो गया इस तरीके से आइसोलेट हो गया कि अब जो एक जगह की स्पीशी है वो दूसरी जगह नहीं जा सकती तो यहाँ पे रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन भी हो गया जिसकी वजह से ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम एवोल्यूशन होने के चांसेस रहते हैं जिसकी वजह से नई नई स्पीशीज़ बन जाती हैं डिफरेंसेस आ जाते हैं स्पीशीज़ के अंदर तो उसको हम बोलते हैं एलोपैट्रिक स्पीसीशन तो ये किस वजह से होते हैं ये जोग्रफिक आइसोलेशन की वजह से होता है क्वेश्चन नंबर फोर्टी ये वाला जो क्वेश्चन है ये आ, एक तरीके से मतलब एक प्रिंटिंग मिस्टेक की वजह से इसको डिस्कार्ड कर दिया गया था तो सभी स्टूडेंट्स को इसके क्रेडिट मिल गया था सो तो इस क्वेश्चन को नहीं डिस्कस करते हैं स्किप करते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्टी वन इंटरवीनिंग सीक्वेंस ऑफ अ जीन आर कॉल्ड इंटरवीनिंग सीक्वेंस जो एक जीन के अंदर प्रेजेंट होते हैं उन्हें हम इंट्रॉन्स कहते हैं इंट्रॉन्स जो हैं वो प्रो के अंदर आपको देखने को नहीं मिलते हैं ये ह्यू के, के अंदर आपको मिलेंगे डी के अंदर Uh, जब आप उसके एम आर वगैरह बनाते हो तो आप ये देखोगे कि कुछ ऐसे रीजन्स होते हैं जब आप स्टडी करोगे उसके अंदर कुछ ऐसे रीजन्स होते हैं जो इंट्रॉन कहलाते हैं कुछ होते हैं एग्जॉन exon. हम एग्जॉन्स को अपने जीन के अंदर रखते हैं इंट्रॉन्स की स्प्लाइसिंग करा देते हैं उनको हम हटा देते हैं उनको डिग्रेड करा देते हैं तो इसका एक स्ट्रक्चर भी बनता है लारीट वगैरह करके वो पूरा प्रोसेस होता है इसको हम बोलते हैं प्रोसेसिंग वगैरह हो रही है की उसमें आप ये पढ़ोगे ठीक है तो इंट्रॉन्स ऐसे सीकुनसेज होते हैं जो हमें ज़रूरी नहीं है इस वजह से जब ये हमारा हमारे ने बनता है तो उसमें से हम एक्जॉन एक्जॉन को निकाल लेते हैं उनको जॉइन करा देते हैं और ये जो इंट्रॉन्स है इनको निकाल के फेंक देते हैं वो पूरा एक प्रोसेस होता है ठीक है तो इंटरवीनिंग सिक्वेंसेज को हम इंट्रॉन्स कहते हैं देन वी हैव हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स इन यू कैरिक सेल्स आर प्रेजेंट इन वही सेम क्वेश्चन है कि हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स वहाँ पर उन्होंने एसिड फॉस्फेटेजिज बोला हुआ था ये प्रेजेंट होते हैं लाइजोजोन्स में जहाँ पे एसिडिक पीएच भी होता है एच पॉजिटिव यहाँ पर ज़्यादा होता है तो इसका आंसर डी हो जाएगा लाइसोजोम देन वी हैव द अर्एस्ट नोन जॉलेस फॉसिल वर्टिब्रेट विद हैवी आर्मर ऑफ डर्मल प्लेट्स आर कलेक्टिवली कॉल्ड एस इनको हम ऑस्ट्राकोडर्म्स कहते हैं तो बी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग मेटाजोन फाइला आर ग्रुप्ड अंडर रेडिएटा रेडिएटा के अंदर किन को हमने ग्रुप किया हुआ है सीलेंट्रेटा को और टीन फोर्स को सी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट है नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फ्रेश वाटर स्पंज फ्रेश वाटर स्पंज कौन सा इनमें से स्पंजिला है ए ऑप्शन इज करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर फोर्टी सिक्स ग्लोकीडियम एंड वेलीगर आर लार्वल फॉर्म्स ऑफ ये दोनों किसकी लार्वल फॉर्म्स होती हैं ये बाय वॉल्स की लार्वल फॉर्म होती है ऑप्शन डी आपका यहाँ पर करेक्ट है नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर फोर्टी सेवन जर् जोमिनल सेंटर्स फाउंड इन लिम्फ नोड एंड स्प्लीन स्टिमुलेट्स द सिक्रिएशन ऑफ ये जो स्प्लीन और लिम्फ नोड है इसके बारे में हम थोड़ा सा देखते हैं लिम्फ नोड जो होते हैं ये क्या करते हैं ये पैथोजेंस को फिल्टर करते हैं कहाँ से लिम्फ में से ठीक है और जो स्प्लीन है वो क्या करते हैं ये भी पैथोजेंस को फिल्टर करता है लेकिन कहाँ से ब्लड से ठीक है तो ये जो लिम्फ नोड है और जो स्प्लीन है ना हम इनको सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स कह सकते हैं जो वर्टिब्रेट के इम्यून सिस्टम में मिल जाते हैं ठीक है मेन फंक्शन क्या है इनका बॉडी फ्लूड्स को फिल्टर करना उनमें से पैथोजेंस को पकड़ना और उनका कॉन्टैक्ट कराना किन के साथ लिम्फोसाइड्स के साथ ठीक है तो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी करेक्ट है मोस्ट जो सूटेबल आंसर है कि दीज आर दी साइड्स ऑफ एंटीजेनिक स्टिमुलेशन ऑफ मिच्योर बी सेल्स ऑप्शन डी करेक्ट क्वेश्चन नंबर फोर्टी एट यूरोपाइजिल ग्लैंड इज प्रेजेंट इन ये जो ग्लैंड होता है ये पिजन के अंदर पाया जाता है तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पर करेक्ट है नेक्स्ट क्वेश्चन टिडमिंस बॉडी इन एस्टीरियाज इज कंसर्नड विद ये किसके कंसर्न होती है एमिबोसाइट्स की प्रोडक्शन से कंसर्न रखती है ठीक है उसके लिए प्रेजेंट होती है तो सी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट है नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर फिफ्टी रेगुलेटरी सेंटर्स इन मैमल्स इज लोकेटेड इन डायरेक्ट क्वेश्चन है हाइपोथैलमिस में प्रेजेंट होता है ऑप्शन सी करेक्ट है इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेजेस ऑफ माइटोसिस इज द मैक्सिमम क्रोमोसोमल कंडेंसेशन ऑब्जर्व्ड मैक्सिमम क्रोमोसोमल कंडेंसेशन यानी कि कहाँ पर ये बिल्कुल एकदम ऐसे पास पास में क्रोमोसोम्स हमें मिलते हैं देखने को ये हमें मेटाफेज में मिलते हैं जब वो प्लेट पे अरेंज होते हैं ना तब सबसे ज़्यादा कंडेंस्ड फॉर्म में हमारे क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पर करेक्ट है नेक्स्ट क्वेश्चन द फर्स्ट ह्यूमन हार्मोन प्रोड्यूस्ड बाय रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी वॉज तो ये जो पहला ह्यूमन हार्मोन हमने आर डी टेक्नोलॉजी से बनाया था वो था हमारा इंसुलिन ऑप्शन सी इज करेक्ट ये तो सीधा एनसीआर टी का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फिफ्टी थ्री हेट्रोमार्फिक न्यूक्लियाई हेट्रोमॉर्फिक न्यूक्लिया हमें सिलियेटेड प्रोटोजोन्स में देखने को मिलता है तो ऑप्शन डी इज करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन हेयर इज इसका जुअलॉजिकल नेम होता है अपलेजिया ए विच वन ऑफ़ द फॉलोइंग इज अ फ्री स्विमिंग लार्वल स्टेज ऑफ फिसियोला फिसियोला की लाइफ साइकिल मैंने एक और क्वेश्चन uh, में डिस्कस किया वो भी डी यू का ही क्वेश्चन था मेटा सर्केरिया से रिलेटेड वो क्वेश्चन था अब वो वीडियोज़ देख सकते हो डी यू के पीपल सोल्यूशन की तो यहाँ पर जो पूछा हुआ है फ्री स्विमिंग लार्वल स्टेज पूछी हुआ है फिसियोला की तो वो मेरा सी डी एम होती है ऑप्शन डी इज़ करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर फिफ्टी सिक्स रोटेशनल क्लीवेज इन रोटेशनल क्लीवेज किसके अंदर होती है ये हमारे अंदर होती है यानी कि मैमल्स के अंदर होती है तो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन मेजोडोम डज नॉट गिव राइज टू मेजोडोम किस चीज़ को नहीं बनाता जब गैस्ट्रोलेशन हो जाती है तो उसके बाद जॉम लेयर्स बनती हैं हमारी तीन जॉम लेयर्स एक्टोडोम एंडोडोम मेजोडोम उसके बाद ऑर्गेनोजेनेसिस होता है तो जितनी भी हमारी बॉडी के अंदर ऑर्गन्स बनते हैं वो कहाँ से बनते हैं इन्हीं तीन जॉम लेयर्स से बनते हैं ठीक है तो ये जो तीनों जोम लेयर्स हैं वो क्या क्या बना रही हैं एक्टोडोम क्या बना रही है एंडोडोम क्या बना रहा है मिजोडोम क्या बना रहा है ये चीज़ आपको लर्न करनी है ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है हर तरीके के जोआलॉजी वाले एग्जाम में ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है ठीक है तो ये चीज़ आपको लर्न करनी है यहाँ पे पूछा है मेजोडोम जो चीज़ नहीं बना रही है उसका क्या नाम है मेजोडोम मसल्स भी बनाएगी सर्कुलेटरी सिस्टम भी गनाड्स भी लेकिन वो नर्वस सिस्टम नहीं बनाती तो नर्वस सिस्टम को कौन बनाता है एक्टोडोम बनाता है ठीक है तो फिफ्टी सेवन में यही पूछा था कि क्या चीज मेजोडोम नहीं बना रही है मेजोडोम नर्वस सिस्टम को नहीं बनाती ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट है नेक्स्ट क्वेश्चन यूनियो बिलोंग्स टू क्लास यूनियो कौन सी क्लास को बिलोंग करता है वो पहले सीपोडा को बिलोंग करता है ऑप्शन बी इज करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन एरिस्टोटल लैंटोन इज फाउंड इन द क्लास एरिस्टोटल लैंटोन में पाया जाता है ये ना सी अर्चिन के अंदर देखा जाता है ठीक है एक तरीके से इनका ये एक डेंटल अप्रेटर्स है जैसे हमारे अंदर दांत होते हैं टीथ होते हैं वैसे इनके टीथ को हम बोल देते हैं एरिस्टोटल लैंटोन ठीक है इससे रिलेटेड क्वेश्चन दिल्ली यूनिवर्सिटी का भी जो रिसेंटली एग्जाम हुआ है ट्वेंटी ट्वेंटी में उसमें भी पूछा गया तो यहाँ पे ये पूछा था कि कौन सी क्लास को बिलोंग करते हैं ये काइनोइडिया क्लास को बिलोंग करते हैं ऑप्शन बी इज़ करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन चुविंग एंड लैपिंग टाइप ऑफ माउथ पार्ट्स आर फाउंड इन ये किसके अंदर मिलते हैं ये हमें हनी बीज एंड बम्बल बीज के अंदर मिलते हैं ऑप्शन बी इज करेक्ट क्वेश्चन नंबर सिक्सटी वन कम्प्लीट मेटामोफोसिस और होलोमेटाबोलिस डेवलपमेंट के बारे में पूछें कि इनमें से कौन सी स्टेजेस जो हैं वो इस तरीके की डेवलपमेंट में पाई जाती हैं जब डेवलपमेंट के दौरान चारों की चारों स्टेजेस इन्वॉल्व हो जैसे कि एग लार्वा प्यूपा एडल्ट तो वो वाली जो डेवलपमेंट होती है हम उसे कम्प्लीट मेटामोफोसिस कह देते हैं या फिर हम इसे क्या कह देते हैं ज़्यादा अच्छी टर्म क्या यूज़ कर लेते हैं हम इसके लिए होलो होलोमेटाबोलिस डेवलपमेंट ये जैसे कि ड्रोसोफिला वगैरह होते हैं ना उनके अंदर देखने को मिलता है तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे करेक्ट है जिनके अंदर एग भी बनेगा लार्वा भी प्यूपा भी एडल्ट भी उसको बोलते हैं हम होलो होलोमेटाबोलिस ऑप्शन डी इज करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्वेट ग्लैंड आर एबसेंट इनमें से किस में स्वेट ग्लैंड नहीं होते स्पाइनी एंटीटोर्स के अंदर स्वेट ग्लैंड नहीं होते ऑप्शन ए इज़ करेक्ट क्वेश्चन नंबर सिक्सटी थ्री विच ऑफ़ द फॉलोइंग इज ओफिस्थोसिलस वर्टिब्रा ऑफिस्थोसीलस पूछा हुआ है तो इसका आंसर है आपका ऑप्शन डी दैट इज सर्वाइकल वर्टिब्रा ऑफ सम अनगिलेट्स नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर सिक्सटी फोर इन क्रोकोडाइल्स स्टमक इज डिवाइडेड इन टू यूजअली क्रोकोडाइल्स के हार्ट से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं बट यहाँ पे स्टमक का पूछा है वो किस किस में डिवाइडेड होता है प्रो वेंट्रिकुलस एंड वेंट्रिकुलस में वो डिवाइडेड होता है तो आंसर आपका हो जाएगा सी ये ओमेजम एबोमैजम र्यूमन रेटिकुलम ये सब आपके उसके दिए हुए हैं कैटल्स के ठीक है यहाँ पे पूछा होता है क्रोकोडाइल का तो आंसर सी इज करेक्ट क्वेश्चन नंबर सिक्सटी फाइव विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सेंसरी क्रेनियल नर्व सेंसरी कौन सी नहीं होती सिक्स नहीं होती तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट है क्वेश्चन नंबर सिक्सटी सिक्स विच ऑफ द फॉलोइंग इज अनपेयर्ड एयर सैक ऑफ द बर्ड अनपेयर्ड की बात की गई है वो पेयर्ड नहीं होना चाहिए तो यहाँ पे कौन सा होता है इंटर क्लाविकल होता है यानी कि आपका ऑप्शन ए इंटर क्लाविकल इज करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन स्टमक इज स्ट्रेट इन किसका स्टमक जो होता है वो स्ट्रेट होता है सैलामेंडोर्स का होता है ऑप्शन डी इज करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर सिक्सटी एट फोर एयर्टिक आर्चेज आर प्रेजेंट इन एडल्ट फोर एआउटिक आर्चेज किस में प्रेजेंट होती है जब वो एडल्ट फॉर्म की बात करें एडल्ट में अलग होता है ना डेवलपमेंट के टाइम पे तो सी आपका यहाँ पे करेक्ट है दैट इज़ यूरो डील्स अगर आपको इसका डिटेल्ड सोल्यूशन चाहिए या डिटेल एक्सप्लेनेशन चाहिए कि किस तरीके से ऑर्टिकार्जेस डेवलप होती है तो आप डेली यूनिवर्सिटी ट्वेंटी ट्वेंटी का जो पेपर सोल्यूशन है पार्ट टू आप वो देख सकते हो उसमें मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया है जो उसका फर्स्ट क्वेश्चन डिस्कस है ना पार्ट टू के अंदर जो पहला क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं वो इसी से रिलेटेड है तो आप वहाँ से समझ सकते हो यहाँ पे जो पूछा हुआ है उसका आंसर है सी यूरोल्स क्वेश्चन नंबर सिक्सटी नाइन हायोस्टाइलिक जो सस्पेंशन इज फाउंड इन हायोस्टाइलिक जॉ सस्पेंशन जो है वो बोनी फिशेस के अंदर मिलती है अगेन इसका भी उसी पार्ट में मिल जाएगा आपको ट्वेंटी ट्वेंटी का जो डेली यूनिवर्सिटी का पेपर सोल्यूशन है एम एस सी का उसका जो सेकेंड पार्ट है ना उसके अंदर जो सेकेंड क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं वो जो सस्पेंसोरियम का ही है ठीक है तो आप वहाँ से डिटेल में देख सकते हो किस किस टाइप की होती हैं कैसे कैसे वहाँ पे बोन्स एक्ट करती हैं हायोइयड कैसे एक्ट करती है वगैरह वगैरह पूरा डिटेल में मैंने बताया हुआ तो आप वहाँ से इस टॉपिक को कवर कर सकते हो तो सिक्सटी नाइन का इन्होंने पूछा था कि हाईस्ट स्टाइलिक किस में होता है ये बोनी फिशेज के अंदर होता है ऑप्शन सी इज़ करेक्ट देन वी हैव क्वेश्चन नंबर सेवेंटी म्यूकस ग्लैंड आर एबसेंट इन स्किन ऑफ किसकी स्किन के अंदर म्यूकस ग्लैंड एबसेंट होता है ये जो म्यूकस ग्लैंड है ना ये मैमल्स की स्किन में नहीं होता ठीक है ये इंटरनली प्रेजेंट हो सकता है लेकिन हमारी स्किन के अंदर नहीं प्रेजेंट होता मैमल्स की स्किन के अंदर नहीं प्रेजेंट होता तो कहाँ कहाँ प्रेजेंट हो सकता है बहुत सारी लोकेशनस हैं जैसे विंड पाइप में हम पढ़ते हैं इसके बारे में नेसल चेम्बर्स के अंदर हम पढ़ते हैं एलिमेंट्री केनाल के अंदर पढ़ते हैं बट कभी स्किन के ऊपर पढ़ें कि म्यूकस ग्लैंड होते हैं नहीं होते सो so इसका आंसर हो जाएगा मैमल्स मैमल्स की स्किन के अंदर म्यूकस ग्लैंड नहीं पाए जाते डी ऑप्शन इज करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बोथ क्लास वन एंड क्लास टू एम एच सी एक्सेप्ट क्लास वन एंड क्लास टू एम एच सी के कौन सा यहाँ पे नहीं है कैरेक्टरिस्टिक्स बेसिकली हमें वो बताना है तो क्या वो कोडोमिनेटली एक्सप्रेस -dom, हो सकते हैं हाँ वो हो सकते हैं दे आर ग्लाइकोसाइलेटेड पॉलीपेप्टाइड विथ पर्सरी डोमेन स्ट्रक्चर हाँ वो ग्लाइकोसाइलेटेड होते हैं दे प्रेजेंट एंटीजन टू टी सेल्स बिल्कुल करते हैं वो इनका मेन फंक्शन तो यही है कि वो जो एंटीजन है उसको पकड़ते हैं उसको तोड़ते हैं और फिर सरफेस पर प्रेजेंट करते हैं ताकि जो टी सेल्स हैं चाहे वो टी हेल्पर हों चाहे टी uh, सी सेल्स हों यानी साइटोटॉक्सिक हों वो इसको आगे रिकोगनाइज करें अब डिपेंड करता है कि कौन सी क्लास है उसके हिसाब से कौन सा टी सेल आने वाला है जो इसके अंदर नहीं होता जो इसकी uh, एक तरीके से आइडेंटिटी नहीं है कैरेक्ट्रिस्टिक्स नहीं है वो बी पॉइंट है दैट इज़ देयर एक्सप्रेसड कॉन्स्टिट्यूटिवली ऑन ऑल न्यूक्टेड सेल्स देखो यहाँ पे पूछा है बोथ का ठीक है न्यूक्टेड के ऊपर प्रेजेंट होती है क्लास वन एम एच सी मेजर हिस्ट्रोकपैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स जिसे हम कहते हैं क्लास वन प्रेजेंट होती है न्यूक्टेड सेल्स के ऊपर क्लास टू कहाँ होती है एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स के ऊपर जैसे डेंड्राइट्स होते हैं मैक्रोफेजेस होते हैं ये सारे ठीक है तो दोनों नहीं होती सारे न्यूक्टेड सेल्स के ऊपर प्रेजेंट इस वजह से जो बी स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट हो जाती है इस वजह से ये हमारा आंसर हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर सेवेंटी टू विच ऑफ़ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्रिस्टेशन लार्वा इनमें से क्रिस्टेशन लार्वा कौन सा नहीं है तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा ब्रेकि यानी कि ऑप्शन डी इज़ करेक्ट रेड डेटा बुक आर डायरेक्टरीज ऑफ एंडेंजर्ड स्पीशी कंपाइल्ड बाई ये जो एक बुक होती है रेड डेटा बुक जिसके अंदर एंडेंजर्ड नियरली थ्रेटेंड एक्सटेंट इन सब का एक रिकॉर्ड होता है इसको किसने मेंटेन किया इसको किसने बनाया कंपाइल किसने किया आई यू सी एन यानी कि इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर ने ऑप्शन ए इज करेक्ट ऑल द बायोलॉजिकल कम्युनिटीज डिपेंड अपॉन एनर्जी मेड अवेलेबल टू इट थ्रू द एक्टिविटी ऑफ देखो जितना भी हम कंज्यूम कर रहे हैं हम कंज्यूमर्स हैं हम तो प्रोड्यूसर्स नहीं है हम जितना भी कंज्यूम कर रहे हैं वो कैसे कर रहे हैं अल्टीमेटली जो सन की एनर्जी है उसको प्लांट्स ने कन्वर्ट किया था फिर हरबीवर्स ने खाया फिर कार्निवर्स खाते हैं कार्निवर्स ओमनीवर्स जो भी हैं तो इस तरीके से ट्रॉफिक लेवल बनता है तो ये जो अल्टीमेटली आ कहाँ से रही है एनर्जी किसने पूरी की पूरी बायोलॉजिकल कम्युनिटी बायोलॉजिकल कम्युनिटी यानी कि पूरा का पूरा जो इकोसिस्टम है उसको एनर्जी जो दे रहा है स्टार्ट कौन कर रहा है वो ऑटोट्रॉप्स होते हैं ऑटोट्रॉप्स यानी अपना खाना खुद बनाने वाले है. तो खुद कैसे बनाते हैं वो सनलाइट की हेल्प से तो सन की एनर्जी को कन्वर्ट करके हमें कौन पहुंचाते हैं अल्टीमेटली ऑटोट्रॉप पहुंचाते हैं तो सी ऑप्शन इज करेक्ट क्वेश्चन नंबर सेवेंटी फाइव एंजाइम्स फॉर यूरिया साइकिल आर प्रेजेंट इन यूरिया साइकिल के जितने भी एंजाइम्स हैं वो कहाँ कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं वो लिवर सेल्स के साइटोसोल में भी मिलेंगे आपको माइटोकॉन्ड्रिया में भी मिलते हैं तो इन बोथ साइटोसोल एंड माइटोकॉन्ड्रिया ऑफ लिवर इट गाइस इस पेपर में इतने ही क्वेश्चन थे सेवेंटी फाइव थे एंड हमने सेवेंटी फाइव क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं पंजाब यूनिवर्सिटी के एम एस एलॉजी ट्वेंटी नाइन का पेपर हमने कंप्लीट डिस्कस कर लिया है इसी वीडियो के अंदर अगर आपको और पेपर सोल्यूशन के वीडियो चाहिए देन यू कैन सब्सक्राइब द चैनल एंड अगर वीडियो अच्छी लगी है देन डू हिट द लाइक बटन एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स थैंक यू सो मच बाय बाय